C20 न्यूज में आपका स्वागत है। आपको एवं आपके परिवार को रक्षाबंधन एवं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद आशीष तिवारी द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सुखावत कमलेश कुमार के पर्यवेक्षण में थाना मक्खनपुर पुलिस टीम व क्राइम ब्रांच टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर रूपसपुर स्थित सेवा ढाबा के पास से 4 सातिर चोर अनवर इकबाल अलीशान तारिक सुहेल खान निवासी फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक ट्रक जिसमें चोरी के 1080 टीन रिफाइंड तेल में 1510 कार्टून रिफाइंड तेल रागा गोल्ड कंपनी बरामद हुए हैं। पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया है। देखिए, एक जो है अडानी का रागी गोल्ड तेल है, उसका एक ट्रक जो है गुजरात से चला, ठीक है, हजीरा गुजरात से लुधियाना के लिए। उसका जो ट्रक ड्राइवर था वो यहाँ का रहने वाला था, रसूलपुर क्षेत्र का, और उसका जो कंडक्टर है वो भी रामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है। इसी के साढ़ू का ट्रक था जिसको ये लोग चलाते थे, उस ट्रक में माल भरा गया और माल लेके ये लुधियाना की तरफ जा रहे थे। लेकिन इनके मन में लालच आया, ट्रक का कुछ जो है किस्त बाकी थी तो लालच आई, तो ये सोचे कि इस पूरे माल को जो है हम कहीं और बेच दें और ट्रक को लूटा हुआ दिखा देंगे। पूरी प्लानिंग रची गई, लेकिन इसकी मतलब वहाँ से जहाँ से माल चला था वहाँ के लोगों ने सूचना दी कि यहाँ का ट्रक ड्राइवर है और संभवतः माल यहाँ कहीं हो सकता है। तत्काल जो है फिरोजाबाद पुलिस ने थाना मक्खनपुर की पुलिस और SOG के साथ एक्टिव हुई और इस ट्रक को जो है मक्खनपुर क्षेत्र के सिवा ढाबे से बरामद कर लिया गया। इन लोगों ने संपर्क किया था कई लोगों से कि इस तेल को जो है बेच दिया जाए, लेकिन इनकी बात बनी नहीं। फिर भी दो लोगों ने कुछ माल जो है उसमें से निकाल के बेचा कि इतने पैसे अभी दे देंगे, और वो लोग भी पकड़े गए। तो इसमें जो टोटल है 4 लोग हैं, एक तो ट्रक का ड्राइवर है, कंडक्टर है, ट्रक का ड्राइवर अनवर है, कंडक्टर आलिशान है, और बाकी जो दो बिचौलिए जो ये माल बिचवाने की कोशिश कर रहे थे तारिक और सुहेल, ये भी रामगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है, पूरा माल बरामद किया गया है और इनके माल जिसका था ऑनर को सूचना कर दी गई है, वो लोग आएंगे और उसके बाद जो है आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाकी माल बरामदगी के आधार पर थाना पे जो है अपराध पंजीकृत कर लिया गया है और इन लोगों को जो है आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, इस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने का सर ये माल है? ये कुल माल जो है, जो एस्टिमेटेड कुल माल है, ये 40 लाख रुपये का माल था और ये पूरा का पूरा ये लोग है पूरी प्लानिंग कर की गई थी इस पूरे माल को जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं खपा दिया जाए। आगे भी कोई और पंजीकृत? हाँ, इनके इनके पहले इनका आपराधिक इतिहास रहा है, इसके अलावा इस तरह की घटना इस क्षेत्र में पहले भी हो चुकी है, तो ये इसको हब बनाना चाहते हैं, लेकिन फिरोजाबाद पुलिस द्वारा ऐसा करने से पहले ही इनको इस बार पकड़ लिया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि पूर्व में जो भी घटनाएं ऐसी हुई हैं इस आधार पर हुई हैं उनको उनका लिंक भी पता करें, कैसे इनको जोड़ा जाए, कैसे इन लोगों का और खुलासा किया जाए, कौन लोग हैं जो ऐसा माल खरीदते हैं। ये एक तरीके का पेशेवर है, क्योंकि ये ऐसी ये जो फिरोजाबाद में तीसरी घटना कारित करने के मतलब फिरोजाबाद के आसपास में भी ये तीसरी घटना ऐसी होती, अगर ये हो जाती तो। इससे पहले मक्खनपुर पुलिस ने बड़ा अच्छा कार्य किया है, बिल्कुल सराहनीय कार्य है कि 40 लाख का जो है माल